मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सियासी जंग जीतकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सत्ता में लौटी तो तीनों राज्यों में अपने पुराने छत्रपों की जगह नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने का दाव चला। कांग्रेस भले ही तीनों राज्यों में चुनाव हार गई हो लेकिन बीजेपी के फॉर्मूले पर वो भी चलकर अपने पुराने छत्रपों को किनारे लगाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने एमपी में पार्टी की कमान कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी को सौंप दी। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उमंग सिंधार को चला गया। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बना दिए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाईकमान ने भूपेश बघेल की जगह चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक भले ही कोई फैसला न लिया हो लेकिन माना यह जा रहा है कि कमलनाथ बघेल की तरह ही गहलोत को भी किनारे लगाने की स्ट्रैटेजी जारी है। पिछले ढाई दशक में राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के इर्द गिर्द बीजेपी की सियासत सिमटी रही है। उसी तरह से कांग्रेस में भी तीन छत्रप काबिज थे। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, लेकिन ये तीनों ही कांग्रेस का चेहरा थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने इन्हीं छत्रपों को आगे रखकर चुनाव जो लड़ रही थी उसके चलते पार्टी की नई लीडरशिप या यूं कहें कि पार्टी के नए जो चेहरे थे वो तैयार ही नहीं हो पाए। बीजेपी चुनावी जंग जीतकर, कांग्रेस ने हारकर पुराने चेहरों को किनारे किया है और बीजेपी ने चुनावी जंग जीतकर यह काम किया है। बीजेपी ने इस बार सीएम का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था। पार्टी ने पीएम मोदी के नाम पर तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा। ऐसे में चुनावी जंग जीतने के साथ ही तीनों ही चेहरों को एक झटके में बाहर कर दिया गया। उनकी जगह एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में आप जानते हैं भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। वहीं कांग्रेस ने चुनावी मात खाने के बाद अपने पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को सियासी तवज्जो देने का प्लान बनाया है। इसकी झलक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बदलाव में साफ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की गाज सबसे पहले कमलनाथ पर गिरी। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से तैयारी की कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान कमलनाथ से लेकर सीधे जीतू पटवारी को सौंप दी गई। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा आदिवासी समुदाय से आने वाले उमंग सिंधार और उपनेता को जो बनाना था उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले हेमंत कटारे को सौंप दिया। जीतू पटवारी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी ब्राह्मण आदिवासी केमिस्ट्री बनाई है एक स्ट्रैटेजी के तहत, उसी तरह कांग्रेस ने ओबीसी आदिवासी और ब्राह्मण का समीकरण चला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे छत्रपों को कांग्रेस ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और तीन युवा चेहरों को तवज्जो दी है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं। उमंग सिंधार प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। चुनाव के दौरान जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को अपने ही गढ़ में कई सारी रैली कराई थी। एक हफ्ते बाद उमंग सिंधार ने प्रियंका गांधी की रैली कराई थी अपने इलाके में। सियासी पकड़ किस तरीके की है इन दोनों की, ये इन्होंने राहुल और प्रियंका की रैली कराकर दिखाया था। कांग्रेस अब इन्हीं तीनों नेताओं को आगे करके 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपने युवा नेताओं के जरिए बीजेपी की तर्ज पर अपने सियासी समीकरण बनाए हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला है लेकिन नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा चरणदास महंत को दे दिया है। विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। बीजेपी ने रमन सिंह की जगह पर आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है, जो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, और इसी फॉर्मूले को लेकर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से सीएम बनाया तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा आदिवासी समुदाय के दीपक बैज को दे दिया। बीजेपी ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम बनाती दिखाई पड़ी तो कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से आने वाले चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी। टीएस सिंहदेव भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन भूपेश बघेल तो अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने चरणदास महंत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राजस्थान में भी कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने बदलाव किया है उसके बाद अब लोगों की नजर राजस्थान पर लगी है। पार्टी ने राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी नेता को अभी नहीं चुना है, जबकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा अपना अपना चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश की सियासत में दो दशक से काबिज वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। इस तरह वसुंधरा राजे की जगह बीजेपी अब नई लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है। उसके चलते ही माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने भविष्य की सियासत के लिहाज से बुजुर्ग नेताओं की जगह युवाओं को आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक में बदलाव किया जा रहा है। सीएम गहलोत सत्ता की कमान संभालते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जगह कांग्रेस संगठन की राष्ट्रीय राजनीति में खुद को साबित करने की कोशिश है।
इसके चलते माना यह जा रहा है कि इस बार वो पुराने फॉर्मूले पर रहेंगे, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर उनकी मर्जी नहीं चली बल्कि राहुल गांधी की पसंद का नेता बनाया गया। इसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में भी किसी युवा चेहरों के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपी जाएगी। राजस्थान में भी ऐसा ही लग रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कांग्रेस के सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, ये सब आगे हैं। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सख्त दिखी है कांग्रेस, ऐसा लगता है कि बड़े छत्रपों से किनारा बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।